देखिए, अब आपको बता रहे हैं बीटीसी बीएड में बहुत बड़ा अंतर है। बीटीसी में करने वाले बच्चे सेम उसी तरह से हैं जैसे किसी पक्षी के पर नहीं होते हैं। कोई भी बर्ड है उसके पर नहीं हो तो मरेगा नहीं, जमीन पे ही रहेगा। जमीन पे ही जो भी खाने पीने की चीजें मिलेगा उसी से खा के जिंदा रहेगा। यानी बीटीसी करके सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक की जो वैकेंसी आती है वो दिखता है कि बड़ी बड़ी वैकेंसी आ रही है, 10,000, 20,000, 40,000 की आती है, लेकिन ये लोग उसी को अप्लाई करेंगे, वो भी टेट और सुपर टेट क्वालिफाई होने के बाद उस वैकेंसी का 2-4 साल में इंतजार करेंगे, एक बार आएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चुनाव आता है, यानी बरसाती मेंढक के तरह से। तो ये बरसात बीटीसी वाली जनरली 5 साल या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में ही देखने को मिलता है, अदरवाइज ये जनरली नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो प्राथमिक वाले हैं, जो बीएड है, ये बीएड वाले बच्चे उसी पक्षी के समान है जो हवा में उड़ सकते हैं, जितना चाहे उड़ना है उड़ सकते हैं। जितनी अच्छी उनकी सब्जेक्ट पे पकड़ होगी उतना ही उनका जीवन सुखमय हो सकता है। सबसे बड़ी चीज, प्राइवेट सेक्टर में जो टीचिंग का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा बीएड के लिए ही है, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज किसी बीटीसी को नहीं रखता है, वो बीएड के ही बच्चों को रखता है। ये बीएड किया हुए हो कि नहीं हो तभी वो आपको जो है किसी सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में टीचिंग के लिए रखता है। बीटीसी को बिल्कुल पूछता तक नहीं है, बिल्कुल निगलेक्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी बीएड किए हुए 3 करोड़ लोग हैं, तो बीटीसी को काहे लिए रखेगा। जो किसी सब्जेक्ट विशेष में अपना एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग लेके आते ही नहीं है वो लोग जनरली थोड़ा बहुत अर्थमेटिक का, हिंदी का, साहित्य का, इन्हीं सब का वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। बीएड में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे पूरा डिटेल ट्रेनिंग कराई जाती है, कैसे लेसन प्लान बनाएंगे, कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन या पीजी जो भी सब्जेक्ट होता है। ये तो प्राइवेट सेक्टर है जो बिल्कुल निगलेक्ट करता है। और रही बात जीआईसी है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, सैनिक स्कूल है, टीजीटी है, पीजीटी है, ये सारी वैकेंसियां गवर्नमेंट की खुली रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ बीएड को ही लिया जाता है वहाँ पे। यहाँ तक कि जो प्राथमिक में जो टीचर हैं, प्राथमिक में होने के बाद इन लोगों का जो अधिकारी हैं, डीएसए हैं, डीईओ हैं, इन लोगों के लिए भी अगर आपको अप्लाई करना है तो बीएड का ही सर्टिफिकेट बीएड ही करेगा। रही बात अगर एक पब्लिक स्कूल, एक प्राथमिक का टीचर है, एक डिग्री कॉलेज का टीचर है या इंटर कॉलेज का टीचर है, कहीं भी देखिए गांव समाज में सम्मानित दर्जा आपको जो है बीएड किए हुए अच्छे कॉलेजों में जो लेक्चरर है उन्हीं को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारा विद्यालय है, कहीं अगर किसी गेस्ट को बुलाना होगा तो हम किसी प्राथमिक का टीचर को नहीं बुलाते, कभी नहीं बुलाते, और हम ही नहीं, कोई भी नहीं बुलाता। एक हमेशा लेक्चरर को ढूंढा जाता है, किसी प्रिंसिपल को ढूंढा जाता है, आते हैं, बात करने की शैली, जीवन शैली, सब कुछ उनका अलग होता है। तो बीएड करने का मतलब, बीटीसी का मतलब सिर्फ यही है कि उस पक्षी के समान जिसके पर नहीं है, बीएड का मतलब उड़ सकते हैं, जितना चाहे उड़ सकते हैं, जितना पढ़ेंगे, जितना नॉलेज इकट्ठा करेंगे अपने सब्जेक्ट में, आपके लिए उतने आप खुले हैं। एक बीएड किया हुआ बच्चा अगर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना के बैठा है तो जितना प्राथमिक में सैलरी मिलती है 50,000, उतना बीएड के बच्चे हमारे वहाँ से जो बीएड करके जाते हैं 50,000-60,000 अच्छे पब्लिक स्कूल में कमाते हैं, एक सम्मानित जीवन भी जीते हैं। तो थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा गैप है। तो थोड़ा जो लोग अगर ये इसको देख रहे हैं तो बीएड की तरफ फोकस करें, न कि बीटीसी। धन्यवाद।